Attention guys, click the subscribe button for more videos and press the bell icon for latest updates. Thanks for your attention. Assalamu alaikum, this is Saadam Siddiq again and welcome to iTech Sky. Another video, another topic. So, kaise aap sab ek new aur fresh video ke saath apne channel iTech Sky pe aap sabko welcome kehta hu. Aaj ki video mein aap log discussion karne ja rahe hain kya waqai TikTok ban hone wala hai aur agar ban hone wala hai to kya aisi reason hai jiski wajah se Pakistan mein TikTok ban hone wala hai, kitna ke time hai TikTok ke paas ya TikTok users ke paas aur iske facts, reasons, is tarah ki bahut sari baatein aur unke answers isi video mein to chaliye shuru karte hain. Let's see what happened. तो फाइनली गाइज अब हम वीडियो का बकायदा आगाज करने लगे हैं. अगर आप मुझसे अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू पूछे या मुझसे पर्सनली तौर पे पूछे तो मेरे अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ये बंद हो सकता है. उसकी रीजन ये है कि जिस मुल्क में यूट्यूब जैसी चीज बंद कर सकते हैं तो उस मुल्क में टिकटॉक की क्या होगा आता है. एनीवेज हम अपने मुद्दे पे आते हैं. अब प्रॉब्लम ये हुई है कि कुछ ही दिनों पहले, ईद से पहले, एक बंदा जो लाहौर का आम शहरी था उसने रिपोर्ट दरखास्त जमा कराई है हाई कोर्ट में और उसने हाई कोर्ट वालों ने इस दरखास्त को एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने जवाब तलब किया है. अब 25 अगस्त से अदालती कार्रवाई बकायदा तौर पे शुरू होगी और टिकटॉक के ऊपर अदालती कार्रवाई होगी और बड़े रेयर चांसेस है कि इसको बैन कर दिया जाएगा. और बैन हो जाएगा तो ये बुरी खबर है टिकटॉक यूजर्स के लिए. अब यहां पे मेन जो मुद्दा है, यहां पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि टीनेज जो बच्चे हैं वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, ठीक है. और उसमें यूजर्स जो टिकटॉक यूजर्स है वो मेच्योर लोग भी है लेकिन टीनेज बच्चे भी बहुत ज्यादा है, ठीक है. तो वो अपनी एज चेंज करके उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं और उसका यूज करते हैं बल्कि उसका गलत इस्तेमाल करते हैं. अब यहां पे लॉजिकली बात देखी जाए तो सबसे ज्यादा एशियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा यूजर्स फेसबुक को भी ब्रेक कर रहा है टिकटॉक और लोग ब्राउजिंग करते हैं टिकटॉक पे बकायदा. पहले क्या हुआ करता था कि हम लोग ब्राउजिंग करते थे फेसबुक पे. अब हर घर में हर बच्चे के पास टिकटॉक है एंड फनी थिंग इज वो टिकटॉक पे ब्राउजिंग करते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह कोई इतना शौक से यूज नहीं करता. तो यहां पर टिकटॉक यूजर्स की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है तो इसकी वजह से इफेक्ट तो पड़ेगा लेकिन कुछ पॉजिटिव थिंग्स भी है अपनी जनरेशन को सेफ रखने के लिए. तो बड़े रेयर चांसेस है कि टिकटॉक बैन हो सकता है, ठीक है. तो अपना बैकअप ले लीजिए टिकटॉक यूजर्स. तो आज की वीडियो में हमने जाना कि टिकटॉक क्यों बैन होगा और ऐसे आखिर क्या वजह बनी वगैरह वगैरह. सो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलिए, लाइक के बटन पे प्रेस कर दीजिए, कमेंट कीजिए एनी कन्फ्यूजन के, मैं आपका रिप्लाई करूंगा और आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा. वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. लास्ट में यही कहूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग. बाय बाय.